ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। उत्तर भारत के कई राज्यों में तेज सर्दी बनी हुई है। दिल्ली में शनिवार को सर्दी के मौसम की सबसे ठंडी सुबह दर्ज की गई। मिनिमम टेम्परेचर गिरकर 3.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं कोहरे की वजह से दिल्ली के चलने वाली या वहां पहुंचने वाली 18 ट्रेनें 1 से 6 घंटे की देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा के हिसार के बालसमंद में न्यूनतम तापमान 0.4 डिग्री दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पारा 3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा में कोहरे के साथ साथ कोल्ड वेव और पाला पड़ने का भी अलर्ट है। बिहार में ठंड को देखते हुए पटना में 8वीं तक के सभी स्कूलों में 16 जनवरी तक छुट्टी कर दी गई है। मधुबनी में 5वीं तक के स्कूलों को भी 16 जनवरी तक बंद करने का फैसला किया गया है। शनिवार की सुबह देश के 18 राज्यों में कोहरा दिखा। तमिलनाडु और पुडुचेरी और केरल में बारिश की संभावना। वहीं आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में भी 15 जनवरी तक सामान्य बारिश की संभावना। उत्तराखंड में 17-18 जनवरी को हल्की से तेज बारिश होने का अनुमान है और हिमाचल प्रदेश में भी 16 और 17 जनवरी को हल्की बारिश हो सकती है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।